लगातार हमलावर नजर आ रही, व्यक्तिगत आरोप भी लगा रही। ऐसा वो कभी मुझे नंगा कहते हैं, कभी मुझे भूखा कहते हैं, फिर हिसाब लगाते हैं क्या क्या है, फिर कभी कहते हैं एक्टर है, कलाकार है, कभी कहते हैं नारियल लेके घूमता है, कभी कहते हैं लेट जाता है। अब मैं क्या करूं और क्या ना करूं, ये कमलनाथ जी बता दें मुझे, लेट हूं कि बैठ हूं, नंगा रहूं कि भूखा रहूं, कभी संपत्ति के नाते। ये कांग्रेस की घटिया मान सकता है जो व्यक्तिगत घटिया आरोप पर उतारू है, नंगा भूखा कहना ये वास्तव में आम जनता ही अपमान है। मैं तो 5 बार मध्य प्रदेश से सांसद रहा हूं, 5 बार से विधायक हूं, 4थी बार मुख्यमंत्री हूं। क्या नंगा भूखा कहना उचित है? क्या किसी का मजाक उड़ाना एक्टर है? शाहरुख खान को मात करता है, कभी सलमान खान को मैं मात कर देता हूं, कि ये भाषा शैली ठीक है? कभी नारियल ही फोड़ता रहता हूं। अरे आज ही देख ले कांग्रेस, ये कोरोना काल में 107 नल जल योजनाओं का हमने शिलान्यास किया पैसों के माध्यम से, फ्री में नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे वैसे ही नारियल फोड़ रहे हैं। 8,000 करोड़ रुपए की और नल जल योजनाएं स्वीकृत की, 6,000 के टेंडर हो गए, ये फोकट में नहीं कर रहे हैं, पैसे का इंतजाम करके कर रहे हैं। इसलिए महत्वपूर्ण है कि पीने का पानी, जब गर्मियां होती थी तो हैंडपंप में भी नीचे चला जाता था, 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर से पानी लाती थी, अब उनके घर में नल लगा के पानी मिल सकता। बहनों की जिंदगी आसान होगी, स्वच्छ पानी मिलेगा, बीमारियां समाप्त हो जाएगी, फ्लोराइड पानी से छुटकारा मिलेगा, हैजा डायरिया जैसी बीमारियों से निजात मिलेगी, और सचमुच में आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश बनाने का जो सपना है, आत्मनिर्भर भारत के लिए, वो सपना पूरा होगा।